बाजी, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जिन्होंने बॉलीवुड में दीवाना बन के कदम रखा और उसके बाद आज तक लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं. बहुत ही वर्सेटाइल, आई मीन मैं बोलूंगा ज्यादा लाइन, तो मेरे को लगता है कि फालतू बोल रहा हूँ. आप सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ. हमारे बॉलीवुड के किंग खान कहा जाता है उनको. प्लीज वेलकम मिस्टर शाहरुख खान. शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए. बहन जी पीछे ना गिर जाना. ओके अरे ठीक है, हम चले जाएं. शरद भाई आइए यहां पे विराजमान हो जाइए. अच्छा, ये शो की शुरुआत भी शाहरुख भाई ने की थी. हम भी चलाक हैं, हमें पता है शाहरुख भाई आएंगे, बहुत अच्छी रेटिंग आएगी. और ऐसी रेटिंग आई भाई, हमने आपका नाम नहीं डुबाया, हम लगातार मेंटेन करके रखा है ना. वही रखी ना टीआरपी जो शुरू हुई थी वैसे ही. नहीं, प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी, थोड़ी सी बढ़ गई है. अच्छा, बढ़ गई. शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. शाहरुख भाई, आपको बॉलीवुड में 25 साल पूरे करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद, जोरदार तालियां. आपको पता है बाजी, शाहरुख का मतलब क्या होता है? पता ना, शाहरुख मतलब होता है बादशाह का चेहरा. तो ये वाक्य में बॉलीवुड के बादशाह है. सर, घर वालों को पहले से ही पता था कि लड़का जिस भी फील्ड में जाएगा मतलब बादशाह बनेगा? नहीं नहीं, ये नाम तो नर्स ने रखा. जैसे ही पैदा हुआ ना तो उसने कहा बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, नर्स ने रखा. मुझे पता नहीं था नर्सें भी ज्योतिषी का काम जानती हैं. भाई, आपकी फिल्म जो रईस आ रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है. आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. अच्छा, आपको मुबारकबाद देना लगता है कि हम आपकी बटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फिल्म तो 200, 300, 400 करोड़ तो होता ही आपका. नहीं दोस्त, बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं हुआ है. भाई, मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूँ जी. आपको ये बताना कि कौन सी सिचुएशन में आपको बनिया का दिमाग चलाना है और कौन सी सिचुएशन में आपको मियां भाई की डेयरिंग दिखानी है. ओके, ये आप देखिए, आपकी फिल्म के हिसाब से क्वेश्चन देखिए आप. नहीं, तू बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो मेन चीज है. तू इंटेलिजेंस का तो मैं कायल हूं. सीरियसली कह रहे हैं? नहीं सीरियसली हैं आप. मान लो शाहरुख भाई, आप जैसे आप अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके जन्मदिन पे हजारों लोग आते हैं आपके घर के बाहर, ऐसे कभी आप अपने फैंस के बीच में गिरे हैं? सॉरी, इट्स वेरी चीप काइंड ऑफ क्वेश्चन. नॉट चीप एक्चुअली, इट्स अ नेचुरल कॉल. मतलब तेरा तेरा तेरे टाइप का क्वेश्चन है, चीप थोड़ा ना होगा. मैं समझ गया, पूछ तो, फिगर मत, पूछ तो. आई मीन, आप अपने फैंस के बीच में गिरे हुए हो और आपको बहुत तेज नेचुरल कॉल उंगली आ रही है. नहीं, उंगली नहीं आ रही है, मतलब लिक्विड टाइप जो होता है. इससे अच्छा मैं सीधे भूल देता. आप फैंस के बीच में घिरे हैं तो आपको एक नंबर की तलब लगी, तलब नहीं लगती मतलब वो लगा, तो आप बनिए का दिमाग लगा के चुपचाप भाग के वॉशरूम में घुस जाएंगे के मियां भाई की डेयरिंग से थोड़ा रोक सकते हैं? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बाय द वे. मेरे साथ असली में ही हुआ था एक बार. मैं एक बार जयपुर गया था. अच्छा. और ऐसे ही फंक्शन में गया था और मैं लेट पहुंचा था वहाँ पे, तो मैं प्राइवेट प्लेन से लैंड किया और सब लोग वेट कर रहे थे और मैं, मेरे को स्टेज पे जाना था और हजारों लोग इंतजार कर रहे थे. तो जो बेचारे ऑर्गेनाइजर्स थे मुझे कहने लगे, यार शाहरुख सर चलो चलो चलो, लेकिन मुझको वही नंबर वन होने की जो तलब है. अच्छा. तो मेरी वो नंबर वन होने की जो तलब है वो वापस आ गई उस वक्त वहाँ पर. तो मैंने कहा भी मैं क्या करूं क्या करूं ऐसा करके, तो मैं किसी के साथ जा रहा था और ऐसे ही किस्म के कपड़े पहने हुए थे, कुछ शेरवानी वगैरह, कुछ इंडियन फंक्शन था वहाँ पे जी. तो मैंने ऐसा किसी को बताना मत, आप लोग बाहर जाके प्लीज. हाँ. नहीं नहीं, घर की बात घर में रहेगी. हाँ, यहीं पे रखना. हाँ, बिल्कुल. 150 करोड़ लोग देखेंगे बाकी. नहीं नहीं, और वो तो फैमिली है, उसके आगे मत बताना किसी को. 150 करोड़ और आगे मंगोलिया जाएंगे बताने भाई, इंडिया में रहने का, ठीक है, बाहर में जाएंगे. तो मैंने वहीं खड़े खड़े बैक स्टेज पे बात करते करते, यू नो, पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं. हाँ. तो ऐसे ही मतलब ऐसे ना अपना बात बात करते 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 मैंने बने, मैं सीरियसली बहुत प्रॉब्लम थी यार उस दिन. मतलब ये मुसीबत थी, परेशानी थी, वरना मैं ऐसा बिल्कुल बदअखलाकी नहीं करता. मैं बनिया का दिमाग करके बाथरूम में चले जाता, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था. इससे बेहतर कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर सिर्फ ऐसा टांग वांग हिला के कुछ करूँ. मैंने पूछा तो आपने मेरे चीप बोल दिया. अभी ये हरकत सही थी आपकी बॉटल वाली? मतलब इतना, मतलब
नहीं मैंने करने का दिमाग यूज कर ले थोड़ी देर. यहाँ पर बहुत लोग बैठे होंगे, कभी कभी परेशानी में ऐसा करना पड़ता है. और मैंने ऐसा किया है तो मुझे माफ कर देना यार. अभी नेचर्स कॉल है, भगवान ने दिया है तो करना ही पड़ता ना यार. देख ऊपर वाले की माया देखो, एक सुपरस्टार आदमी शाहरुख खान और हम क्या बातें कर रहे हैं. अच्छा भाई मुझसे ना कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें एक्सपेक्ट भी नहीं करता. लोगों को लगता नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, अदरवाइज आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय. देखा ओके. भाई अगर आप सेट पे कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं, हीरोइन को आपने बाहों में लिया हुआ है, कभी कभी नहीं भी होता शायद कोरियर में, आप ले लेते हैं मतलब ठीक है. तू करता होगा? नहीं नहीं भाई मेरे को तो, मैं तो पहली फिल्म में चार हीरोइन थी ना, कोई नहीं मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कोई सीन. तेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में हीरोइन लिखते हैं कि हाथ नहीं लगाएगा हमको. भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं हाथ लगाएंगे 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 तभी हम काम करेंगे. तू मेरी तरह बेवकूफ नहीं ना, तू इंटेलेक्चुअल है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है. पूरा दिन खराब है. गर्ल्स अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूं, आई एम नॉट लाइक दैट. ऐसे पोल कैन बी माय फ्रेंड. पोल मत करना, पोल मत करना, भाई बना लेंगे सबकी सब. सोनाक्षी सिन्हा बना गई भाई. फिक्र मत कर, सब बनाएंगे. अब वक्त है उनको यहाँ पे इनवाइट करने का जिन्होंने रईस में एक बहुत ही अहम किरदार निभाया है. ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर हैं. प्लीज वेलकम मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी. अच्छा ये हो गई एंट्री वाली तालियां. अब वो तालियां जो वो एक्चुअली बहुत डिजर्व भी करते हैं, बहुत स्ट्रगल करके आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है. अपने टैलेंट के दम पे इन्होंने ये साबित कर दिखाया. नवाज भाई आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सर मी टू. जी भाजी. अच्छा अच्छा मैं भूल गया, आपका शेर आज आया था शाहरुख भाई के लिए कि नहीं? ओहो आपका तो काम बड़ा पेंडिंग पड़ा. चलिए चलिए चलिए, शेर आया नहीं. देखो भाई मतलब रॉन्ग नंबर ना लगा, जो बंदा आया उसी पे ठोकूंगा ठा. तो वो नहीं आए, वो किधर है? अरे कमाल कर रहा हूं उन पे तो मैं शेर ही खत्म हो गए. कभी पर्वत तोड़ता तो कभी गोल्फ खेलता अदाकार निकला. इसे टटोल के देखा, इसे टटोल के देखा तो खजाने का भंडार निकला. ये वो बड़ा नोट है फिल्मी दुनिया का के हजार का बंद हुआ और बन के 2000 निकला. वाह 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 पाजी, सारी फिल्मों की रेफरेंसेस, साथ में नोटबंदी का मुद्दा. आप बहुत बड़ी कुर्सी डिजर्व करते हैं. अब इससे बड़ी कितनी करेगा ये तो पाजी, ये तो आप जानो हमारे शो की. ऑनर्ड. नवाज भाई ने हमारी इंडस्ट्री के तीनों खान्स के साथ काम किया है. शाहरुख भाई के साथ रईस कर रहे हैं और सलमान भाई के साथ बजरंगी भाईजान किक कर चुके हैं. आमिर खान साहब के साथ आप तलाश फिल्म में काम कर चुके हैं. आपने तीनों खान्स के साथ काम किया है. आपको क्या लगता है कि तीनों खान्स के साथ काम करने के बाद ये एक्टर तैयार होता है कपिल शर्मा शो में आने के लिए? मतलब आई मीन मतलब रेट बढ़ जाता है जी, पैसा हाँ बढ़ जाता है. अभी जैसे रईस में मुझे जितना मिला आपके शो करने के बाद और बढ़ जाएगा. मैं तैयार बैठा हूँ. क्या बात है. मैं एक जेन्युइन बात कहूँगा, मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ जितने नवाज भाई. इनको शायद खुद अपनी नहीं अपनी खुद खासियत इनको शायद नहीं मालूम है. अभी इन्होंने फिल्मों में काम किया है, थिएटर से हैं. ये बहुत बड़े और बहुत ही आला दर्जे के एक्टर हैं. और ये और मैं ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इसी हैसियत से ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं 25 साल से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, उस लेवल से मैं सीनियर हूँ. लेकिन एक्टिंग के बारे में बिल्कुल सीनियर नहीं हूँ. इनकी जो आँखें हैं बहुत खूबसूरत हैं, इनको जो काम करना आता है बहुत अलग तरह से करते हैं. और हमारे जैसे एक्टर जब सामने खड़े होते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, हम इंस्पायर हो जाते हैं. और मैं सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छे एक्टर्स देख के बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेरी तो चल पड़ी है जैसा भी एक्टर हूँ मैं, लेकिन अच्छे एक्टर्स देख के मुझे बड़ी खुशी होती है. तो इनकी जो लाइट होती है वो हम पे रिफ्लेक्ट करती है तो हम सब अच्छे लगते हैं. एटलीस्ट मैं तो इनकी वजह से अच्छा लगता हूँ. मतलब आप जब भी मुझे मिलते हैं आपको बहुत खुशी होती है? नहीं तेरे साथ बिल्कुल खुशी नहीं होती है, तेरी रिफ्लेक्शन आती नहीं, इसलिए तेरे शो में इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा रखी हैं कि कोई लाइट तो आए.
तू तो काला टीका है तू तो यार नजर बट्टू बिल्डिंग में आप बात को बढ़ा दो नजर बट्टू उन्होंने काला टीका कहा है थोड़ा नजर बट्टू सोनी साहब ये लाइन कृपया काट दीजिए फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़